इस मानव समाज में हमारे अंदर जो उन्माद पैदा होते हैं, हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा होती है, वो हम गहराई से जाकर के अपने अंतर में झांक करके देखें तो वो किससे कर रहे हैं, ये इंसान को समझ में आएगा। क्योंकि रूहानियत जो होती है, जीवात्मा जो होती है, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु जो होता है, वो दो नहीं है, वो दोनों में एक है। जिसके प्रति वो नफरत कर रहा है उसमें भी, और जिसके साथ वो प्रेम कर रहा है उसमें भी। कबीर कहते हैं कि दया कौन पर कीजिए और का पर निर्दय होए, और साईं के सब जीव है कीड़ी कुंजर सोए। अब साईं कह दो, चाहे अल्लाह कह दो, चाहे राम कह दो, चाहे रहीम कह दो, जो कुछ कह रहा हो कह दो, परंतु लोग लफ्जों में जैसे ही आते हैं, क्योंकि लफ्ज एक आकार है, जो भी चीज आकार बनती है वो खत्म हो जाएगी। ये मकान बना है निश्चित रूप से खत्म होगा, आप हमारा शरीर बनाया वो निश्चित रूप से खत्म होगा, परंतु इस शरीर को सृजन करने वाला सबका जो एक है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो इसमें रहेगा तो ऐसा रहेगा, उसमें रहेगा तो ऐसा रहेगा। और ये विवेक और ये समझ जब इंसान के अंदर आ जाएगी, तो वो इन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहबों के आधार पर, औरत आदमियों के आधार पर, देश प्रदेश की सीमाओं के आधार पर, फिर वो लड़ाई या विवाद नहीं करेगा, उसका उन्माद समाप्त हो जाएगा। जितने भी संत हुए हैं, जितने भी तीर्थ की रोलियाँ हुए हैं, वो उनके अंतर की यात्रा का परिचायक है, प्रतिफल है। जब तक हमारी अंतर की यात्रा नहीं होगी, तो हम हो सकता है किसी न किसी तरह का द्वेष पैदा कर सकते हैं, हमें दूसरे दिखेंगे, यहाँ तक कि हम अपने पहनावे के ऊपर भी एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर सकते हैं कि आपने ऐसा कपड़ा क्यों पहना, आपने पेंट बुशर्ट क्यों पहना, आपने ये इस रंग का क्यों पहना, जबकि सब रंग में वो है। Bye.